हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल महक रेसिपीज। ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत टेस्टी एंड बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई। आज मैं बना रही हूँ कोकोनट मिल्क पेड़ा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। कोकोनट मिल्क पेड़ा बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/2 कप ब्राउन शुगर पाउडर, 1 कप मिल्क और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को लो फ्लेम पर ही बनाना है। एक पैन में पहले नारियल का बूरा डाल देंगे और मिल्क भी ऐड कर लेंगे। अब मिल्क के एब्जॉर्ब होने तक कोकोनट को हम पकाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में आपको फ्लेम लो ही रखनी है। ये देखिए, मिल्क एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर डालने से पेड़े का टेक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर के अच्छे से मिक्स हो जाने तक, ये देखिए मिल्क पाउडर भी अब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें शुगर ऐड करनी है। दो तरह से आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। पहले ये कि आप अभी इसमें शुगर डाल के थोड़ा सा और पका सकते हो, और दूसरा ये कि इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा करके बाद में बिना गैस चलाए ऐसे ही शुगर पाउडर को आप अच्छे से मिला सकते हो। तो मैं पहले वाला ऑप्शन कर रही हूँ। मैं अभी इसमें शुगर डाल रही हूँ। ये मैंने शुगर ऐड कर दी है। अब क्या होगा कि शुगर मेल्ट होने से ये मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, लेकिन इसे और थोड़ा सा कुक करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है इसे और कुक करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लें, थोड़ा सा ठंडा कर लें, हल्का सा गर्म होना चाहिए, और शुगर पाउडर को अच्छे से मिला लें। हाथों से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर आप इस मिक्सचर को पेड़े की शेप दे सकते हैं। अब जैसे कि मैंने शुगर अभी इसमें ऐड की है, तो अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक करेंगे और जब कढ़ाई से चिपकना बंद हो जाएगा तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए अब थिक हो रहा है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए कि मिक्सचर थिक हो गया है, लेकिन इसे और पकाएंगे जब तक कि ये बंधने ना लगे और चिपकना बंद ना हो जाए। लगातार मैं इसे चला रही हूँ और अब देखिए कि ये मिक्सचर बंद सा रहा है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्लेट में इस मिक्सचर को निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे। ये देखिए मिक्सचर को मैंने प्लेट में निकाल लिया था, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो पहले आप अपने हाथों को घी से ग्रीस कर लें और स्मॉल पोर्शन लेंगे। आप मेजरमेंट के लिए स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पेड़े की शेप देंगे। तो ये देखिए मैंने गोल पेड़ा बना लिया है। अब इसे थंब से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। मैं इसे सेंटर से प्रेस कर रही हूँ, थोड़ा सा दबा लेंगे, पेड़े की शेप देंगे और कोकोनट पाउडर में इसे कोट कर लेंगे। बाकी भी इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इन्हें डेकोरेट करेंगे। आप अपनी पसंद से कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने डेकोरेट करने के लिए यहाँ थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया और उसमें ग्रीन कलर का फूड कलर मिला लिया है। अब ये नारियल ग्रीन कलर का हो गया है। अब ये ग्रीन कोकोनट पाउडर से पेड़े को सजा लेंगे। और सुंदर बनाने के लिए इस पर मैं टूटी फ्रूटी लगा रही हूँ। आप कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए तैयार है ये सुंदर सी कोकोनट मिल्क पेड़ा की मिठाई। आपको ये मिठाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।